तो चलो आज हम बेबी फ्रॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई ले लिया है 11 इंच और यहाँ पे मैंने लंबाई ले लिया है 6 इंच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं फोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं आर्म होल की तरफ थोड़ा सा कर्व शेप दे देती हूँ और यहाँ पे नेक की साइड थोड़ा सा कर्व शेप बना देंगे। तो ये रहा हमारा बन चुका है। अब हमें जो प्लीट्स डालना होता है बेबी फ्रॉक में वो हम देख लेते हैं कितना मेजरमेंट लेना है हमें। तो यहाँ पे देख लो मैंने ले लिया है 35 इंच। तो ये 3 इयर्स बेबी के लिए है, 2 ईयर 3 ईयर के बेबी के लिए ये नाप बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ मैंने चौड़ाई ले लिया है 13 इंच। तो आप देख सकते हो और यहाँ पे मैं क्रॉस पट्टी कट कर लेती हूँ पाइपिंग बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है पाइपिंग बनाने के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा पाइपिंग बनता है। तो यहाँ पे हम जॉइंट कर लेते हैं। तो कर लिया है मैंने क्यों सोचा कि गर्मी आ रही है तो अपने बेबी के लिए कॉटन फैब्रिक का मैंने ये बेबी फ्रॉक बनाया, जो कि बहुत ही प्रीटी लगता है, वो पहनती भी है, वो बहुत ही हैप्पी होती है। तो देख लो हम यहाँ पे पाइपिंग बना रहे हैं, तो उसे बहुत ही पसंद आया ये फ्रॉक। तो अब 2 या 3 ईयर की बेबी के लिए ये मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने चटका लगा लिया है, जो कि बोलते हैं कट लगा लिया है मैंने। ये परफेक्ट पाइपिंग बैठता है, इस वजह से यहाँ पे कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से हमें पकड़कर इसे पाइपिंग बनाना है कुछ इस तरह। तो हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी बनी थी। तो देख लो आप, बेबी फ्रॉक है ये, आप भी बनाएं अपने बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत खुश भी हो जाएंगे। गर्मियों के लिए हम सोचे बना लेते हैं बच्चों के लिए फ्रॉक और आपके आपसे शेयर भी कर दें हम। तो ये रहा, मैं दूसरे उसमें भी पाइपिंग बना रही हूँ। तो देख लो बहुत ही परफेक्ट बन चुका है। अब दोनों ही जॉइंट कर लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है। अब इसे हमें ओपन करके यहाँ पे हमें प्लीट्स डालना है। तो पीछे बैक की साइड हम 3 प्लीट्स ही डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे 3 प्लीट्स ही डालूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने अब फ्रंट साइड में छोटे छोटे प्लीट्स डालना है, वो फ्रंट में रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसी तरह डाल लिया हुआ, देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे डाल दी हूँ प्लीट्स, जो कि बहुत ही प्रीटी लग रहा था बनने के बाद बहुत ही। और मेरी बेबी अनन्या, बाप रे, बहुत ही खुश हो गई, बोलती मम्मा आपने डिजाइन किया। बोली यस बेबी, तो बोलती थैंक यू मम्मा, बोली थैंक यू बेटा। तो बहुत ही खुश हो गए। आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए ताकि वो भी खुश हो जाए। यहाँ ऊपर दाब सिलाई कर लेना है हमें ताकि ये परफेक्ट पक्का सिलाई हो जाए। तो देख लो मैंने यहाँ पे कर लिया, बहुत इजी है ये बहुत। और यहाँ पे 7 प्लीट्स डाल दिया मैंने, बस अब दोनों पकड़ कर इसे हमें सिलाई कर लेना है। गाइस बहुत ही प्यारा बना था, तो प्लीज़ आप भी बनाइए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे बस, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही ईजी है। जो फ्रेशर है उनके लिए भी तो बहुत इजी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमें शोल्डर पट्टी यहाँ पे जॉइंट करना है। मैं यहाँ पे शोल्डर पट्टी कटिंग कर लिया है मैंने, 8 इंच का है। तो यहाँ दोनों तरफ से हमें अटैच कर लेना है।
आप देख सकते हो कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको क्या मैं बताऊं, किस पर बनाऊं वीडियो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो आपको हमारी ये वीडियो और ये फ्रॉक कैसे लगी? थैंक यू गाइस, बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।